बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। आज की जो वीडियो है इसमें एक दर्जन बकरियां, जिसमें एक ब्रीडर है और बाकी जो है ना ये 11 बकरियां हैं। और मेरे दोस्त, मैं बकरियां आपको इसलिए ऐसी दिखा रहा हूं कि ऐसी बकरियां अगर इस तरह के ब्रीडर से क्रॉस करवाओगे तो कौन से जो है ना नस्ल बनती है, वो बनती है देसी नस्ल, जो वेट वजन ज़्यादा करती है। ये वेट वजन भी ज़्यादा करती है और ये देसी ब्रीड बनती है, यानी कि बकरी छोटी हाइट में हो और बकरा बड़ी हाइट में हो तो दरमियान है ऐसे मोटे बकरे या बकरियां बनती हैं जो दूध भी ज़्यादा देती हैं और जिनकी डिमांड भी उनकी बड़ी बढ़ जाती है। तो ये बकरियां मेरे भाई, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, इनका मुनासिब सस्ता जो रेट है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और ये बकरियां मेरे भाई पहले सुबह में और दूसरे सुबह में हैं, पहला और दूसरा सुबह इन बकरियों का। बकरियां बड़ी अच्छी हैं, रेट मैं आपको सस्ता लगा दूंगा, बहुत सस्ता दे दूंगा। और ब्रीडर जो है ना, कोई भाई साथ लेना चाहे तो उसकी मर्जी है, वरना बकरियां ब्रीड हो चुकी हैं, एक बकरी ब्रीड होनी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बकरियां ब्रीड हैं, यही बकरी ब्रीड होनी है, बाकी ब्रीड हो चुकी हैं। और इनका रेट जाने, मुझसे रेट भी सुने और इंशाल्लाह आपके दिल खुश होंगे रेट सुनकर। बाकी वीडियो वॉच करना मेरे भाई, जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट भी देना है कि रियाज भाई हम वहाँ से किस शहर से आपकी वीडियो देख रहे हैं। बाकी अगर किसी भी किस्म की, वैसे तुम्हारे पास गुलाबी भी खड़ी हैं, आप देख सकते हैं नस्लें तमाम होती हैं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आपको जानवर दिखाते रहते हैं। आज की वीडियो लैलपुरी बकरियां, अबलाक बकरियों के साम की आपको दिखा रहा हूं, तो आप मेरा रेट सुने इंशाल्लाह आपके दिल खुश होंगे बैक कैमरे। माशाल्लाह मेरे भाई, ये है बकरियों की क्वालिटी, इनको देसी बकरी कहा जाता है मेरे भाई, ये देसी बकरियाँ हैं। और नस्ल में अगर देखा जाए तो मक्की चीनी से भी क्रॉस हुई हैं और ये लैलपुरी जो फैसलाबादी है उनसे भी क्रॉस हुई हैं, तो ये पटेरी से भी क्रॉस हुई हैं, इनका यही जो है ना इनकी नस्ल है मेरे भाई। आप देख, और ये ब्रीड मेरे भाई एक तो दूध ज़्यादा देती है और इनकी एक तो डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि देखें सेहतमंद ये बनती हैं बकरियाँ, ये देख सकते हैं आप सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बकरियाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। और ये बकरियाँ अगर इस तरह की देसी ब्रीड बनाना चाहते हो तो ये पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन पलती है। ये देखें, ये पांडा बकरी है, बहुत बढ़िया पी गुलाबी इसका फेस है, ये आप देख सकते हैं गुलाबी फेस में है। और बाकी भी बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी की हैं, एक तो यंग बकरियाँ हैं, दूसरे नंबर पर ये ब्रीड अगर आप ठंडे इलाका में रखोगे या गर्म इलाका में, बिल्कुल VIP पाली जाती हैं मेरे भाई। ये बकरियां आपको कार्गो भी मिल जाएंगी, अगर आप खुद आना चाहते हो तो मुझसे रابطہ कर लो, नंबर मेरे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो बाकी मेरी जो लोकेशन है मेरे दोस्त, वो डेरा गाजी खान है, बिस्मिल्लाह गोट फार्म है, मेन चुंगी नंबर 5 जामपुर रोड, डेरा गाजी खान। बिस्मिल्लाह गोट फार्म के ऊपर हर किस्मी माल आपको मिलता है, बिल्कुल लो रेट पे, सस्ते रेट पे, क्वालिटी जो भी है पाकिस्तान में बकरियों की वो मेरे पास मौजूद है मेरे फार्म के ऊपर। तो मेरे भाई ये चीज़ आप देखें, अगर इस तरह की चीज़ें रखना चाहते हो तो अपना टाइम ज़ायो ना करो। और बकरियों को खुराक कौन सी देनी चाहिए, फ़िलहाल हम दे रहे हैं ये देखें मक्की के पट्टे हैं कुतरे हुए, अगर बकरी ये ना खाए फ़र्ज़ करो तो इसके ऊपर चोकर थोड़ा सा आपने छिड़क देना है, चोकर खुश्क चोकर, तो वो बिल्कुल बेहतरीन बकरियाँ खा लेती हैं। और ये अगर आपके पास कोई और चारा मौजूद है, जैसे लूसन अस्टाडा हो गया या कोई और चारा, या वंडा भी देना चाहते हैं या भूसा तूड़ी भी देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे भाई इसी तरह की वीडियो आप देखते रहें। और बाकी आप मक्खी चीनी रखना चाहते हो, मक्खी चीनी अगर रखना चाहते हो, या राजनपुरी रखना चाहते हो, बीताल रखना चाहते हो, कोई भी नसर रखना चाहते हो, तो आप हमारे फार्म का विजिट करें दोस्तों। अपना टाइम ज़ाया ना करें और इस कारोबार को अल्हम्दुलिल्लाह करें, ये बड़ा बरकतों वाला काम है और इसमें बचत भी बहुत ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड आप जो रखते हैं, बकरी कोई भी रखते हैं आप, तो ये साल में 2 बार बच्चे देती है, 2-2 जो है ना इनकी एवरेज होती है, बच्चा देने की जो एवरेज है ना, वो 2 बच्चे देती है हर 5 महीने, 3 दिन, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बकरी 2 बच्चे देती है। तो ये साल में 2 बार बच्चे देती हैं, 4 तो ये बच्चे दे देती हैं साल में, कभी 3 भी दे देती है कोई बकरी, लेकिन वैसे इनकी एवरेज जो है ना वो 2 की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दूध के हवाले से अगर बात करूँ तो मेरे भाई ये बकरियाँ दूध के हवाले से
बड़ी ज़बरदस्त है। और दूध के हवाले से ये लीटर से डेढ़ लीटर एक टाइम का दूध भी दे देते हैं, और और दूध के हिसाब से मेरे भाई बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और बकरी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, टेडी बर्बरी और गलमोरी बीता लबलक शेरा प्रिंट और मक्खी चीनी के साथ राजनपुरी भी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा खड़ा है, ये बीतल में फुल और टाइगर है। अगर किसी भाई को ब्रीडर चाहिए यानी कि बकरियों के लिए, तो आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। और अगर आपने बकरियां ये लेनी हैं तो आप हमसे जो है ना रब्ता करो, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। बाकी इंशाल्लाह मेरे भाई ये वीडियो आपने मुकम्मल देख लिया है, आप मेरा रेट सुन लें। और मेरे भाई इनका जो रेट है ना वो आपके साथ मैं फाइनल शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बकरियाँ हैं, बकरियाँ भी अच्छी हैं, सेहतमंद भी हैं और क्वालिटी भी नंबर वन है। इनका रेट है फाइनल 30,000 के हिसाब से, 30,000 के हिसाब से आपको ये पूरी लाड मिल जाएगी। जल्दी रब्ता करें मेरे भाई, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। 30,000 रुपये में अगर कोई मुझे बकरी दे ऐसी, कारोबार करना भी छोड़ दूंगा। ये मेरे रेट नहीं होते, आपके लिए ऑफरें होती हैं, आप फ़ायदा उठाया करो मेरी वीडियो से मेरे भाई। ना मंडियों के चक्कर लगाओ, ना अपना टाइम ज़ाया करो, और अपना पैसा भी बचाओ, कारोबार भी बढ़ाओ। सिर्फ 30,000 के हिसाब से आपको ये बकरियां मिल जाएंगी, 11 बकरियां हैं मेरे भाई 30,000 के हिसाब से। और ब्रीडर लेना चाहते हैं तो आपको 1,60,000 रुपये का ब्रीडर मिलेगा, और अगर बकरियों के साथ लेना चाहेंगे तो फिर आपको 1.5 लाख का मिल जाएगा मेरे भाई ब्रीडर। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा मुलाकात हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकअल्लाह।